ऐसी पाकिस्तान में ना शर्फिया शर्फिया में फोन भी क्या कहाँ से जा रहे हैं हम, हमारा भाई है असगर भाई, उनके वाले बहुत हो गए थे तो उनकी ताज़ियत के लिए जा रहे हैं अभी। बेचारा बहुत परेशान है प्रदेश में, तो अभी जा रहे हैं हम उनके पास। हमारा भाई भी साथ है, सफीर भाई भी, शहजाद भाई फोन पे लगे हुए हैं। आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि असगर भाई के वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं, वो उनके लिए सब दुआ करें। अल्लाह पाक उनको जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वरना तो हर इंसान ने है, लेकिन परदेश में बैठ के जब ये ऐसी खबर आती है ना तो इंसान जो है वो टूट जाता है। तो असगर भाई ने तस्वीर लगाई हुई थी अपने अबू की, वो वीडियो कॉल पे जो है उनका चेहरा देखा, तो मैंने जब वो तस्वीर देखी ना तो मेरा दिल जो है वो बिल्कुल अंदर से टूट गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये है परदेश। ना बंदा खुशी में जा सकता है ना गमी में जा सकता है। तो बहुत से हमारे पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं कि बंदा ना, हम छोड़ सकते हैं परदेश को, पाकिस्तान में भी नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे भी जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत ख़राब हैं। अल्लाह पाक हमारे सियासतदानों को कोई उनके दिलों पे कोई ऐसी चीज़ डाले कि वो जो करप्शन कर रहे हैं तो उनसे अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे तो मुल्क के बारे में सोचें, ताकि हम भी बैठ के सोचते हैं कि घर चले जाएं, तो जब देखते हैं कि इतना महंगाई है फिर सोचते हैं कि भी उधर जाके क्या करेंगे। तो सफ़ीर भाई जी मोहतरम, और सुनाओ ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, तबीयत ठीक है। वीडियो को लाइक करना जी, शेयर करना ज़रूर। हाँ जी, और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिरावो क्या हाल है, खैरियत है, ठीक हो, तबीयत सेट है? महंगाई रोली पी ऐसा कोई संग चौप के दी बैठो जी, मुँह पे ताले लगे हुए हमारे। हाँ जी, क्या करें, इतने परेशान हैं हम, इधर बैठ के परेशान हैं तो उधर के जो लोग हैं उनका क्या हाल होगा। बहुत परेशान बैठे हैं, ये तो रो रहे हैं ना। रुपाल रुपाल यो सुनाओ, ठीक हो? सेठ भी है ठीक है, रोने वाली गल है, बंदे का जमीर जिंदा हो जाए, रोना पैंदा वीर। अल्लाह पाक हर एक का जमीर जिंदा करे, पाकिस्तान के हाल से रहम करे, जिंदे होए माशाल्लाह, जो मुबारक हो। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, देर है दुरुस्त आए, महंगाई के बारे कट्ठे वक्त कोई भी आए, कोई भी होए, कोई भी आए, अल्लाह पाक हुक्मरान हदायत दे, अल्लाह पाक आवाम भी हदायत दे कि अल्लाह पाक अच्छे लीडर चुने। हाँ जी, अच्छे लीडर चुनो, अपने मुल्क के हक च दुआ कर, मुल्क नु गाला ना कढ़न, थोड़ा जि दुख तकलीफ आ जाता है, लेकिन अपने मुल्क वास्ते खैर मंगनी चाहिए, अपने मुल्क की खैर मंगनी चाहिए। चलो दुआ करें। मेरे दोस्तों भिरावो, जदा साडा मुल्क आजाद थे ना, आजादी गिनन वास्ते लोगें अपने जिस्म दे नाल बम बदते ना टैंकें दे तलु सुते हन, तबाही थी, वड्डे बच्चे कुर्बान किते ने ते तां वंते आजादी मिली। मैं यूट्यूब का चैनल है, मैं ज्यादा कुछ कहना सा, अगर तो को आजादी गिननी है ना तो अपने हक वास्ते निकलो और निस्तो नाबूद करो इन्हें को। ये लांती लोग हैं बैठे जेरे ना, इन्हें इवें तो कहना ना मिल से, मत को बैठे रहो तो तुसा ये धाड़ पिटका तो चल जा रहा है। वैसे वो इतों तो सियासत करें, इतों तो मजे गिनते हैं, जे तलक ये मुल्क तुहाडा यानी कि तुहाडा तह दिलों तुसा निकलो, अपने हक वास्ते अपने हकूक वास्ते लड़ो मरो तो वहाँ तो आज़ादी मिल सके। काम ही नहीं मिल रहा, 10,200 रुपए का मन है।
बहुत जुल्म हुआ है जी, डॉलर ऊपर गया है ना। रश बहुत है रोड के ऊपर, शाम का टाइम है, इस टाइम रश बहुत होता है। ये इंडिया है, ये देखो। हाँ जी, ये हमारा बहुत जी। अभी हम वापस आ गए हैं रूम पे, तकरीबन रात के 10 बज गए हैं। तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे, वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई थी, तो वीडियो बनाना भी अच्छा भी नहीं था। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं कि जिनके माँ बाप इन दुनिया से चले गए हैं, इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जिनके हयात हैं अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।